ये तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं। कुछ घर की मजबूरियां थी, इसी वजह से स्कूल वगैरह छोड़ दिया। मैं जिब्बा कर लेता हूँ जानवर वगैरह। पैसे है ना भैया, जैसे मर्जी कमा लो, पूरे लाहौर का पहले एड्रेस बताएं, बाजी इधर ऐसे हो ऐसे हो, अपना रेट लगाओ, वो फिर ले लेते हैं। पता आपको बाजियों को तो बातें सुनने की आदत होती है। 80-80 हज़ार भी लाख भी सेल करके दी। 80 हज़ार यहाँ पे आप सेल कर लेते हैं भाई? माशाल्लाह 80 हज़ार रुपए तो किराया महीने का क्या हुआ। कहना चाहूंगा यार काम करो, अपने माँ बाप की यार जलील ना करवाओ, उन्होंने इतना बड़ा आपको किया। सब नाज़रीन आप देख रहे हैं बागी टीवी, मैं हूं आपका होस्ट जनाब जी। नाज़रीन हम इस वक्त इशरा बाजार में मौजूद हैं, लाहौर का बड़ा मशहूर बाजार है। ईद की शॉपिंग्स के लिए लोग यहां पर आ रहे हैं, और यहां पर जहां पर आपको बड़ी बड़ी दुकानें मिलती हैं, बड़े बड़े सेल्समैन मिलते हैं, वहां पे कुछ नौजवान, कुछ छोटी उम्र के कुछ बच्चे भी सेल्समैन के तौर पर अपनी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। क्यों करते हैं वो ये काम इतनी छोटी उम्र में, और क्या ऐसी मजबूरियाँ होती हैं, क्या ऐसी ज़रूरतें होती हैं, क्या ऐसी ख्वाहिशें होती हैं, उनसे आके पूछते हैं। आए जी, कब से कर रहे हैं ये काम? मुझे यार ये तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं भैया। कितनी उम्र? मेरी उम्र 18 साल। अभी 18 साल हुई है जी? तो 18 साल से पहले तो शादी नहीं होती है, अब 18 से पहले कारोबार को शुरू हो गया भाई? वैसे ही यार दर कुछ घर की मजबूरियाँ थी, इसी वजह से स्कूल वगैरह छोड़ दिया। कौन सी क्लास से छोड़ा? मैं 9th से। 9th से छोड़ दिया? तो पढ़ाई में कैसे थे, लाइक थे ना? लाइक थे भाई, जो मर्जी सुन लो मेरे से। क्या है, कुछ याद है, कोई लेटर, कोई एप्लीकेशन, कोई मजमून, को ऐसे कोई पोइम? नहीं, इंग्लिश में नहीं आता मेरे। इंग्लिश में कुछ नहीं आता, इसी वजह से छोड़ी है जी। इसका आपको फ़ायदा होगा मुस्तकबिल में, ये आप काम जो कर रहे हैं? इंशाल्लाह होगा भैया, मेहनत तो लगाई है, इंशाल्लाह आगे अल्लाह पाक रिज़्क देने वाला जो भी है वो करेंगे। तो फिर ये काम कर रहे हैं हमें यार शुरू से ही। तो नहीं, आपकी उम्र के बच्चे जो हैं वो तो खेलते कूदते हैं, कोई पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो आप इधर बैठते हैं, ये अपने शौक से हैं, मजबूरी है? या वैसे ही बस शौक भी है, कुछ मजबूरियाँ हैं, लेकिन ये नहीं कि बंदा अपना कोई पढ़े भी और काम भी ना करे, लेकिन पढ़े भी काम भी करे। अगर नहीं उसने पढ़ना चाहता तो फिर काम कर ले, ऐसे भी डरामी हो जाएगी बंदे के यार, वो पहले से नहीं काम करेगा, एंड पे जाके उसे फिर वो दुखेगा, काम यार मैं काम करूंगा फिर क्या होगा। ये कोई ऐसा स्किल तो नहीं है, ये कपड़े तो मैं भी बेच सकता हूँ, कोई दूसरा शख्स भी बेच सकता है, कोई ऐसा काम सीखने की कोशिश नहीं की जिसका मुस्तकबिल में फ़ायदा हो? भाई मैं बीफ का काम सीखा हुआ पूरा प्रॉपर। बीफ का क्या काम? मैं बड़े गोश्त का। अच्छा, मैं जिब्बा कर लेता हूँ जानवर वगैरह। बड़ी ईद पे बड़ी पार्टी करते हैं फिर? हाँ जी, मैं और वाले साहब होते हैं साथ। अच्छा अच्छा, आपके वाले साहब यही काम करते हैं? जी, मेरे वाले साहब दुपट्टे डाई करते हैं। अच्छा, और ईद पे जो है वो बकरे डाई करते हैं और वो फ्राई करते हैं? नहीं, वो जिब्बा करते हैं ना फिर। यार पैसे है ना भैया, जैसे मर्जी कमा लो। आपको अभी से क्या शौक पड़ गया पैसे कमाने का, अभी आपकी उम्र खेलने कूदने की है? भाई वैसे कुछ मजबूरियाँ हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, इसी वजह से फिर आप समझा करें बात को ना फिर। हमें ये बताएं, अब आपको क्वालिटी का अंदाजा हो गया, कौन सा अच्छा कपड़ा होता है, कौन सा बुरा कपड़ा? भाई पता चल गया मुझे माशाल्लाह, एम ही तो नहीं, मैं इधर 21,000 रुपये में रूल। 21,000 रुपये ले रहे हैं दुकान वालों से? जी। ये बड़ी दुकान वालों का आगे स्टॉल है जी भाई जान। तो आपका क्या ख्याल है कि आप इस कारोबार में मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पहुँच जाएंगे आप? मैं इंशाल्लाह यार अपनी दुकान कर सकता हूँ, मुझे इतना तजर्बा हो गया है माशाल्लाह, तो मैं अपना काम करके आगे बच्चे। इसमें तजर्बा क्या होता है कि किस कदर ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं? मुनाफा भी कमा सकते हैं, और कस्टमर को डील करना हम जान सकते हैं कि यार ऐसे ये जो जा रहा है उसे बुला के बताना हो बाजी ऐसे नहीं ऐसे, पूरे उसको पूरे लाहौर का पहले एड्रेस बताएं, बाजी इधर ऐसे हो ऐसे हो, बाद में वो फिर अपना रेट लगाओ वो फिर ले लेते हैं। पता आपको बाजियों को तो बातें सुनने की आदत होती है। अच्छा, उन्हें बातें सुनाई जाओ तो जितने मर्जी पैसे दे दिल में सुनाते हैं। हाँ जी, कोई हमें आवाज़ तो दे के बताएं कैसे बुलाते हैं, अगर कोई यहाँ पे कपड़ा लेने में आया हूँ कैसे डील करेंगे? हाँ जी भाई, आज लोन के 3 पीस हैं 1500 में। तो मैं अगर कहूँ कि यार मैंने देने ही 750 फिर? नहीं भाई, 750 का तब नहीं आया हुआ, मेहरबानी आपकी यार। कितने का आया हुआ? करें यार 1300 रुपये का आया, 200 रुपया कमाना है मैंने, मेहरबानी आपकी। 200 रुपये में आपके खर्चे निकल आएंगे? जी इंशाल्लाह निकल आएंगे। चूना चूना तो नहीं लगाते भाई को? नहीं नहीं, ऐसे का भाई कभी काम नहीं करते, ये ऐसे का काम करेंगे ना, ऐसे का काम करेंगे ना भाई तो वो फिर नहीं रखेंगे। आपने अपने साथ से डिक्लेयर किए हुए नैब पढ़ सकती है आप, जितनी फटियां लगा रहे हैं आप? कोई फटियां तो मैं लगाते ही नहीं, मुझे ये वो भी फटी पड़ी है। हाँ वो तो फटी पड़ी हुई है, स्टूल पड़ा है, फटी नहीं पड़ी हुई। आपको पता है आपकी मजबूरियाँ हैं, सारे सिलसिले चल रहे हैं, उसके बावजूद आप अपने इस तरह के शौक कर रहे हैं, पान खा रहे हैं, सिगरेट भी पीते हैं? नहीं नहीं भाई, ये कोई नशा, सिर्फ पान खाता रहा। सिगरेट महंगे हो गए इस वजह से? नहीं नहीं, पहले भी नहीं था पीता यार मैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में पैसे कितने कमा के दिए भाई को? भाई को माशाल्लाह भाई
80,000 भी लाख भी सेल करके दी। 80,000 यहाँ पे आप सेल कर लेते हैं भाई? माशाल्लाह 80,000 रुपए तो किराया महीने का क्या हुआ है। अच्छा हाँ जी। नहीं ये बाहर बाहर की आप 80,000 रुपए सेल कर लेते हैं, अंदर दुकान लेता है? दुकान लेता है। ठीक है, तो आपको क्या मिलता है अगर ज्यादा? कोई कमीशन भी देते हैं ज्यादा? हाँ कमीशन भी देते हैं। कितने परसेंट? सूट पे यार 10% कमीशन देते हैं। अच्छा अगर आप बेचते हैं तो? हाँ जी। तो ये जो नौजवान है गलियों में फिरते हैं, सिगरेट पीते हैं, कोई काम भी नहीं करते, हाँ जी ठीक है, मांगने को प्रेफर करते हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? भाई मैं यही कहना चाहूँगा यार काम करो, अपने माँ बाप की यार जलील ना करवाओ, उन्होंने इतना बड़ा आपको किया तो ये तो गलत बात है यार। आप गलियों में किसी से सिगरेट मांग लिया, किसी से ऐसे कुछ कर लिया, ये हम 7 बहन भाई हैं। 7 बहन भाई हैं, तो आपके अलावा कौन कितने कमा रहे हैं? मेरा बड़ा भाई है, वो जरा वॉशिंग मशीनों का काम करता है, वो पूरा गाड़ी। आप पैसे खुद खाते हैं घर वालों को? नहीं यार घर वालों को देता खुद। तो घर में पढ़ भी रहे हैं बच्चे? हाँ जी। आप ही पढ़ रही हैं दो? ठीक है आप ही पढ़ रही हैं। आप नहीं पढ़ रहे? नहीं, शौक ही नहीं था जी। अब आगे क्या शौक है, अल्टीमेट एम क्या है, मुस्तकबिल में मजीद बड़े होके क्या बनना है? बड़े होके सेलमैन बनना है, फुल बड़े। बड़ा सेलमैन बनना? बड़ा सेलमैन तो अभी भी है, जिसकी लाख रुपए कमाई दिहाड़ी तनख्वाह हो इसी में। तब तक महंगाई कितनी हो जाएगी जब आप? भाई कोई बात नहीं, तकाना लाख से गुजारा हो जाएगा। हाँ अभी 21,000 में हो जाता है माशाल्लाह। 21,000 में फोन भी आ गया है तो बाइक भी आ गई है। जितना आदि आपने स्टोरी जानी है, कहानी सुनी है अदनान की, जो अभी 18 साल के हुए हैं, यानी वो पिछले 2 से 2.5 साल से यही काम कर रहे हैं, उनका पैगाम ये है नौजवानों को कि वो अगर पढ़ना नहीं चाहते और पढ़ाई में दिल नहीं लगता तो फजूलियात से बेहतर ये है कि वो कोई काम करें या कोई काम सीखें, फिर ही वो समझते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी बेहतर होगा और उनका खुद भी मुस्तकबिल सिक्योर होगा। इतनी छोटी उम्र में इतनी इतनी बड़ी सोचें और इतनी इतनी बड़ी फिक्रें लेकर चलने वाले अदनान की स्टोरी तो आपने सुनी। आप क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए एक नौजवान को अगर वो पढ़ाई नहीं करता तो? ऑब्वियसली आप भी यही चाहते होंगे कि वो भी फजूलियात की बजाय इस तरह के कामों में आए। हम ये चाहते हैं कि आम स्टोरीज, आम कहानियां भी आप तक पहुंचाएं, इंस्टीट्यूट के बड़े लोगों की, कामयाब लोगों की कहानियां आपको सुनाई जाएं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बागी टीवी।